दोस्तों एक बार काली माता की मंदिर में एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। जब पंडित जी उसे देखते हैं तो कहते हैं अनर्थ हो गया। वो सभी गांव वालों को वहां बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें किताब से आंख लेनी होगी। जब पंडित जी किताब पढ़ते हैं कि अगर किसी की मृत्यु मंदिर में होती है तो गांव वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए, और वे बताते हैं कि सजा के तौर पर गांव वालों को बंद करना पड़ेगा। तब गांव के चारों तरफ मशाले जलाकर गांव को घेर लिया जाता है। पर उसी रात गांव की एक लड़की अपनी प्रेमी से मिलने के लिए गांव के बाहर स्टेशन पर चली जाती है, लेकिन तभी एक ट्रेन आती और उसके प्रेमी को उड़ा कर ले जाती है। इससे लड़की को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो चुपके से गांव आ जाती है। फिर गांव के सारे मशाले एक एक करके बुझ जाती है और लड़की एक मधुमक्खी के छत्ते पर अपना मुंह डाल देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। एक आदमी ने उसे मरते हुए देख लेता है और खुद को मार डालता है। एक औरत उसे मरते हुए देख लेती है और वो भी अपने कान में सुई घुसाकर खुद को मार डालती है। दोस्तों टेंशन ना लो, ये एक काल्पनिक कहानी है। काली माता माँ पार्वती का रूप है और सिर्फ बुराई को नष्ट करते हैं। तो कमेंट में जय माँ काली लिखें।